गाइस बहुत मेहनत करके हम स्कूटी लिए थे, कोई चुरा के भाग गया मेरा स्कूटी, यहाँ से सवेरे से नहीं मिल रहा है। प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए, यहाँ पे सवेरे से हम ढूंढ रहे हैं, पल्ली यही पे रखा हुआ है, गाड़ी ही नहीं मिल रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब है, यूँ समझिए कि एक तरह से मतलब सीरियस ही है। पेट में क्या परेशानी है कि रात में मेरे साथ क्या हुआ, मम्मी अभी दवा लेकर रखी। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि ब्लॉग स्टार्ट करें, फिर भी जैसे तैसे करके ब्लॉग स्टार्ट किए, एडिटिंग किए हैं। हुआ यूँ था कि रात में 2 बजे करीब मतलब अपने आप मतलब खाना वाना खा लिए थे, मस्त सो भी गए थे, अपने ही मन मर्जी से मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा खाना जो मुँह से निकल रहा है, तो उल्टी होने लगा। उल्टी हुआ तो कम से कम आधा घंटा लगातार होते एकदम उल्टी करते करते बेहोश हो गए थे। मम्मी पापा सभी लोग सो रहे थे, तो मम्मी पापा को कुछ भी खबर नहीं था। और फिर उसके बाद उल्टी होने के बाद क्या हुआ कि जब ऊपर आए लेटे, तो लेटने के बाद पेट में बहुत सारा मतलब जलन सा होने लगा, मतलब मचलने लगा, तो वही चीज़ें हैं। और ऐसा लग रहा है कि मतलब कमजोरी सा महसूस हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, रात भर जागने की वजह से हो रहा है या फिर मोबाइल में लगातार देखते रहते, वो गर्मी के कारण होता है, ये भी हो सकता है। बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ब्लॉग करते रहेंगे आप लोग के लिए। और चलिए आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मम्मी अभी दे रही है हमको इनो, इनो पी लेते हैं। तो दोस्तों इधर आपके प्यारी बहन सानी हमारा कोट पैंट पहन ली है, अभी एक वीडियो शूट चलेगा, तबीयत खराब है फिर भी क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी काम करना बहुत जरूरी। सानी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज भैया का पेट ठीक नहीं है। देखिए कितना बढ़िया, अभी एक गाना भी गाना इसी में, ठीक है जी। इसी में जब हम नौकरी करेंगे ना, अपने ऑफिस में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। वाह, मेरा आशीर्वाद है। सलाम सलाम भाई। हेलो मैं खमरा नहीं लग जाई बोल कर, ठीक है पापा? तुम्हारे बोले बोली ना, बोली ना, चुपचाप खड़े हमारा देखो खाली हमारा तक। हाँ हेलो, बोल रहे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए क्या मतलब बोलेगा तब हम बोलेंगे। नहीं बोलेगा, मीडिया पे जाएगा। नहीं हो सकता है, आप लोग खींच के नहीं जाइएगा। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हेलो, स्वास्थ्य नियम नहीं बोलेगा, मीडिया पे जाएगा। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हेलो, सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? अगला भी बोलेंगे तब ना हम बोलेंगे। और नहीं देगा, आप खुद के लिए देगा। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए क्या मतलब? अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं 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 बोलेगा, मीडिया पे जाएगा। हम नहीं ले सकते हैं, आप लोग ठीक ले जाइएगा। तो गाइस आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बुरा यही हो रहा है कि पेट दर्द हुआ है। अभी तक सच बताए तो हम खाना भी नहीं खाए, सिर्फ पाचक खा रहे हैं। ये देखिए छुटकी बहन पाचक निकाल करके दी है, तो वही खा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरा आँस सूजा हुआ है। अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ और जैसे तैसे करके हिम्मत करके नेट पैक डलवाने के लिए मार्केट गए थे, तो डलवा करके आए थे पापा जी के साथ में, और ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाया क्योंकि मतलब सर चकरा आ रहा है और आँख से एकदम लग रहा है गर्मी निकल रहा है और पेट में ऐसा लग रहा है कि आँस सूजा हुआ है। तो फिर भी अभी हिम्मत करके कैसे ब्लॉग शूट करना है,
क्योंकि जो ज़िंदगी है उसी को तो दिखाना है आप लोगों को, है ना। तो अभी टाइम भी हो रहा है ब्लॉग पोस्ट करने का, देखते मम्मी पापा नीचे क्या कर रहे हैं, वो लोग खाना वाना बना के सब कुछ, मतलब थोड़ा हमारा दबाव भी ला दिए थे, वो सब भी खाए तो फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, देख रहे हो इवनिंग होने वाला, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, वो देखिए आसमान कितना प्यारा सा दिख रहा है। और इधर चलते हैं, देखते हैं मम्मी पापा जी क्या दोस्तों। अभी का सीन कुछ ऐसा है, आज मेरा तबीयत भी ख़राब है और पापा देखिए क्या कर रहे हैं, ये मकई को जो है पापा कूट रहे हैं, मम्मी इधर अपना चालने में लगी हुई है। देखिए इसी बात पे गाना याद आ गया, धान कुटा हो दिला वाला पापा कूट रहे हैं इसका क्या होगा ना, मक्का का आटा बनेगा। और गांव में बेसिकली सब बाहर में जो रहते पापा तरसते हैं ना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगा, गेहूं से भी महंगा वहाँ मिलता है, क्योंकि 40 रुपये किलो है ना, बताइए बहुत महंगाई बढ़ गया गाइस। ये खाने से शरीर में ताकत आता है, और ये पुराना समझिए ना कि एक एनर्जी समझ सकते, पाउडर बोल सकते हो आप लोग, इसका सत्तू भी खा सकते हैं लोग, और अगर किसी को खाना बनाने का मन नहीं हो तो सतुआ घोल करके पी भी सकते हैं ना पापा, रोटी भी बन जाता है। देखिए कैसे कूटेंगे पापा, दिखा रहे हैं अभी आप लोग, ये देखिए ये पूरा कूटा नहीं जा रहा है, इसके अंदर जो गुर्दी होगा ना इधर उधर हल्का हल्का तो वो हट जाएगा, ताकि पिसाने में बन जाए ना पापा, नहीं तो गुर्दी रहेगा तो फिर आटा में कट्टू कट्टू जैसे बन जाएगा ना, मतलब कठिन कठिन कंकड़ जैसा हो जाएगा। हाँ हाँ इसीलिए ये देखिए बालू झड़ रहा है इसमें से, ये देखिए आप देखिए। चलिए फिलहाल मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो थोड़ा हम भी वीडियो वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको बनाना भी है सुहानी बहन के साथ में। और इधर देखिए आपकी प्यारी बहन छुटकी काम वम करके जो है सुबह से वीडियो वीडियो बना करके लेटी हुई है। सो जा बोले भैया सोएंगे एक घंटा तब जाके वीडियो बनाएंगे, बोले ठीक है। यहाँ पे सुहानी अपना गुलदस्ता रखी हुई रहती है, इधर सुहानी का छोटा बैग है, एक दो गो तीन गो बैग है यहाँ पे, देखिए ना बड़ा प्यारा सा है सुहानी का, अपना एकदम कॉपी कलम यहाँ पे रखा हुआ रहता है। बस अब तबीयत थोड़ा और ठीक होगा तो भी निकलेंगे और कहीं मार्केट में आराम से घूमेंगे, तो आप लोग को भी घुमा देंगे। दोस्तों जैसे तैसे हिम्मत करके अभी मम्मी रेडी कर दी है, और भोजपुरी गाना था एक तो उसके ऊपर सूट था, तो सुहानी भी रेडी हो गई है, इधर मम्मी जी है, मम्मी हिम्मत दी है कि नहीं बनाओ वीडियो, तब जाके भी बनाया नहीं सुबह से एकदम साफ हिम्मत टूटल था, कि अभी तबीयत ठीक नहीं आराम से बनाएंगे ना मम्मी। हाँ तबीयत ठीक नहीं, सब लोग के मन उदास है, ये बराबर राजा भाई को तबीयत ही खराब रहता है, हम तो जो है मरीज से ही है, हिम्मत बांध करके तो वीडियो में रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पेट का अभी तक खाना नहीं खाया आप लोग, यकीन नहीं करोगे, चॉकलेट एक मुंह में डाले हैं बना रहे वीडियो, डर के मारे इसलिए नहीं खा रहे, खाएंगे फिर बाथरूम जाएंगे, खाएंगे फिर बाथरूम जाएंगे, मतलब यहाँ का पेट का नस जो है ना दर्द हो रहा है। चलिए फिलहाल वीडियो शूट कर लेते हैं, देखते कहीं निकलना है तो निकलते हैं, ऐसे शरीर में जान नहीं मिल रहा है। और ये चॉकलेट देख सकते हो सुहानी के बर्थडे में मिला था, तो ये बचा के रखी हुई है तो हमको दिया खाने के लिए, थैंक यू बहन। वैसे मेरे को खा लिए हैं तो ले लो, खा लिया, आज मेरा तबीयत खराब है इसलिए दया कर रही, नहीं तो सब खा जाती है, ऐसे शाम में हम जाते हैं गोलगप्पा लाएंगे तुम्हारे लिए, पक्का लाएंगे, 30 रुपये का पैकेट मिल जाएगा ना तो ला देंगे, सस्ता पड़ जाएगा। देखते हैं वीडियो शूट करवाओ जल्दी से, हम जाएंगे अभी मार्केट, पेट तो सही नहीं लग रहा, गोलगप्पा चले, गोलगप्पा तो गोलगप्पा उसी का बना होगा, गोलगप्पा मतलब कौन खरीद के लाए, कैसा वाला गोलगप्पा, ठेला वाला, ठीक है देखते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हो मम्मी से शिकायत कर रही सुहानी कि गोलगप्पा आपको बुझने नहीं आता, गोलगप्पा किसे कहते हैं हमको नहीं समझ में आता, हम तो अभी तक खाए नहीं किया जा, गप्पा कैसा होता है सुहानी को हम लोग पकड़ा रहे हैं, बोलने भी नहीं आता है, हम गप्पा गप्पा बोल रहे हैं, हाँ गप्पा हम लोग जानते हैं, गोलगप्पा नहीं जानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गप्पा बोला जाता है ना, नहीं अक्षय कुमार के डायलॉग मार रही है। अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी वीडियो शूट कराओ, हम ला देते हैं, देखते हैं दांत साफ करो, देखो गंदा कितना है दांत, तो दोस्तों अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, क्या करेगा जस्ट व्लॉग नहीं शूट कर पाए, पर एक चीज़ बड़ा प्यारा सा लग रहा है हमारे गांव में, पहले हम लोग कटौनी करने के लिए जाते थे गेहूं वगैरह का, तो वो वाला खेत ना वो सामने रखा करते थे,
और अभी देखिए दौनी करने के लिए सब लोग रखे हुए हैं साइड साइड में, ये गेहूँ ऐसा देख सकते हो आप लोग, ये हमारा मक्का का खेती। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी रूठी हुई है, हमसे भी जस्ट शूटिंग किया है। क्यों रूठी हुई है, कहाँ चाहिए बाबा? अरे तो गोलगप्पा का बहाना मम्मी मना कर दिया अभी कि नहीं जाओ, तो हम बोले ठीक है नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए गाड़ी चलाएंगे कहीं पेट खराब हो जाएगा तो कहीं हाँक देंगे रास्ता में तो फिर सीट गंदा हो जाएगा। और नहीं तो क्या, जो सच है सच बोले। अरे यार मत बोलो ये सब। मम्मी यार सब बात बता दे। यार रोज मेरा बेइज्जती करती रहती है। क्यों बता? मम्मी को देखो वहाँ सहेली सबके साथ में खड़ी है वहाँ पे, वो देख मम्मी मना रही है बता। आज तुम्हारे लिए मैगी आ रहा है, तू को आ रहा है ना? तो हम मैगी आ रहा है, आ रहा है ना? चलो घर बाहर। क्या हुआ आप लोग यहाँ पे क्यों हो? गौरी कहाँ रखा है? गौरी तो सुबह से जब दरवाजा खोले है तो गौरी है ये नहीं है। हा? गाड़ी नहीं है, सुबह से दरवाजा खुला हुआ है। गाड़ी तीन बार हम झांक लिए, देखिए यहां पे गिरा हुआ है। अभी गाड़ी यहीं पे था, कहां रखा गया? हटो हटो हटो। अरे गाड़ी कहां रख दिया? गाड़ी हम कहीं नहीं रखे हैं, गाड़ी यहीं पे लगा हुआ था। ऊपर तो फेंक दिया है गाड़ी, ये नहीं है। अरे बाप रे बाप, कोई ले गया। सुबह से दरवाजा खुला हुआ है, आई ऐसे रखा हुआ था। मेहनत करके हम स्कूटी लिए थे, कोई चुरा के भाग गया मेरा स्कूटी, यहाँ से सवेरे से नहीं मिल रहा है। प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। बहुत मेहनत किए थे गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत करके यूट्यूब से कमा के हम लाए थे यहाँ पे। सवेरे से हम ढूंढ रहे हैं, पल्ली यहीं पे रखा हुआ है, गाड़ी ही नहीं मिल रहा है। हम मर जाएंगे गाइस। लगा के रख दिया करते थे, पता नहीं कौन लेके चल गया, अब जाना पड़ेगा थाना। स्कूटी यहाँ पे हम खुद रख के थे गाइस। वहीं पे कैमरा लेके खड़े रहेंगे। एक्चुअली इधर आ जाइए, आ जाइए, किसी से स्कूटी दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। स्कूटी हमने यहाँ पे जानबूझ के लगाया है, और 1 अप्रैल को अप्रैल फुल बनाया जाता था, तो ये हमने एक्टिंग करी है मम्मी पापा सभी लोग मिल करके, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। स्कूटी यहाँ पे सही सलामत है, हमने सोचा कि आप लोगों के साथ एक प्रैंक किया जाए कि हमारा स्कूटी जो है खो गया है, तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने वीडियो नहीं बना पाया, तो हमने सोचा अप्रैल का महीना चल रहा है तो चलता है, अप्रैल में अप्रैल फुल बनाया जाता है ना। ये चुगली कर दी। हम सोचा अभी थोड़ा तो बस माफी चाहते हैं, आज आप लोगों के साथ हमने प्रैंक किया है। आज की वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बगल में इंस्टाग्राम कर जाकर के फॉलो कर लो, इतना तो बनता ही है यार इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी सारे रील्स वगैरह पे एक्टिंग कर ही लेते, तो इसमें करने की क्या बात है, समझ रहे? पर ये रियल नहीं था, ये रियल रोना नहीं था। अब कमेंट में सब कहेंगे बाप रे बाप, अभी तो नौटंकी कर रहा है, ये अप्रैल फूल है भाई, इतना समझ लेते तो आप मेरे जगह पे होते, है कि नहीं? तो इसलिए इसको मजाक में लो, और ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहो, अपने भाई को आगे बढ़ाते रहो। स्कूटी एकदम सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी यहाँ पे, ये देखिए स्कूटी मिल गया। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बगल में इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो कर लो। यार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, आदित्य से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट करो, और ऐसे भाई को बढ़ाते रहो। अपना क्यों निकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।